तो भोजन आपके शरीर में आहार नली से गुजरता है। आपके मुंह से मल द्वार तक एक पाइप है। पाचन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों से होता हुआ ये उससे गुजरता है। अलग अलग स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जड़ता और फोकस का मुद्दा है। आप अपने भोजन का आपको एक खास तरह से खाने की जरूरत है, सरलता से कहें तो भोजन आपके शरीर में आहार नली से गुजरता है। आपके मुंह से मल द्वार तक एक पाइप है। पाचन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों से होता हुआ ये उससे गुजरता है। आप में से कई लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, हाँ, ये आहार नली से जाता है। अब शुरुआत होती है होठों से। यहां अगर आप सारे शाकाहारी और मांसाहारी जीवों पर गौर करें, अगर आप पशु जगत को देखें तो शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर, ये दुनिया में जानवरों के दो मुख्य विभाजन है। एक वनस्पतियां खाते हैं, दूसरे मांस खाते हैं। अगर आप आहार नली की बनावट देखें तो शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में एक स्पष्ट अंतर है। इंसानी सिस्टम में हर चीज संकेत करती है कि आप स्वाभाविक रूप से शाकाहारी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए हम मांसाहारी हो गए थे। अगर आप जबड़ों के चलाने के तरीके को देखें, सारे मांसाहारी जीव सिर्फ काटने की क्रिया करते हैं, जबकि शाकाहारी काटने और चबाने की क्रिया करते हैं। तो उनमें दाढ़े होती हैं, लेकिन मांसाहारी जीव में फैली हुई दाढ़े नहीं होती, उनमें बस छेनी जैसे और नुकीले दांत होते हैं। वे सभी काटने के दांतों जैसे लगते हैं, तो वे बस यही करते हैं। सारे शाकाहारी अच्छे से चबा कर खाते हैं। आपके पास कौन से दांत हैं? दोनों। तो आपको खाना चबा कर खाना चाहिए। आपको अपना खाना इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि आपकी लार में एंजाइम होते हैं। अगर आप थोड़ा सा कच्चा चावल लेकर अपने मुंह में एक मिनट रखें, आप देखेंगे कि यही मीठा हो जाता है, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदल रहा है मुंह में ही। तो अगर आप ढंग से खाते हैं, तब हम कहते हैं कि आपके पाचन का 30-50% पाचन आपके मुंह में ही हो जाना चाहिए। तो पाचन तंत्र का ये हिस्सा आधे या आंशिक रूप से पचे खाने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अभी जैसे हम खा रहे हैं, अधिकतर हम न सिर्फ बिना पचा खाना बल्कि आंशिक रूप से नष्ट खाना डाल रहे हैं। तो उसी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको भोजन की जो मात्रा चाहिए वो बढ़ गई है। उतनी ऊर्जा पैदा करने के लिए जितना आपको खाना चाहिए, आप उससे बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं। इसकी वजह से शरीर में जड़ता आ गई है, क्योंकि इससे उससे कहीं ज्यादा भोजन को प्रोसेस करना पड़ रहा है, इसलिए जड़ता है। एक बार जब जड़ता आती है तो आपकी नींद का कोटा बढ़ जाता है। आप कितने घंटे सोते हैं? हेलो, 8 घंटे। आप आम सलाह के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती जागते रहना चाहिए, बात ये नहीं है, लेकिन अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें तो आप देखेंगे कि 3-4 हफ्तों में आप अपनी नींद की जरूरत 2-3 घंटे बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। 1.5-3 घंटे आप बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं अगर आप सचेतन होकर खाएं और बस ठीक से बैठना सीख लें। आपको पता है, बस बैठने की मुद्रा, आपके शरीर के ज्यामिति और सिस्टम में क्या जा रहा है, अगर आप बस इन दो चीजों को संभाल लें तो आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा कैसे कम हो जाएगा। बस आपकी जानकारी के लिए, 25 सालों से ज्यादातर मैंने औसतन 2.5 घंटे की नींद ली है। अब मैं थोड़ा आलसी हो गया हूं और अब मैं लगभग 4.5 घंटे सो रहा हूं, लेकिन हफ्ते के 7 दिन, ठीक है, 365 दिन में बस ऑन हूं लगभग हर दिन। मेरी बेटी ने 1 महीने से फोन नहीं किया था। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ समस्या क्या है, तुम फोन क्यों नहीं करते? उसने कहा, हर 6 घंटे में आप एक नए शहर में होते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, ओके, ये वाकई सच है। कभी कभी एक दिन में हम 3 शहरों में होते हैं, तो ये नॉन स्टॉप गतिविधि है। और आज मेरे पास कई लोगों ने ऐसा करना सीख लिया है। मेरे आसपास 100-150 लोगों की दिनचर्या इसी तरह है, बस औसतन 4 घंटे की नींद, हफ्ते के 7 दिन वे बस ऑन हर समय ऑन रहते हैं। और वे चिढ़े नहीं रहते, वे परेशान नहीं रहते, वे प्रसन्न रहते हैं, वे शानदार लोग हैं।
ऐसा इसलिए है, इसके कई पहलू हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है भोजन। आप कैसे खाते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आप क्या खाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे खाते हैं, क्योंकि भोजन एक जीवित पदार्थ है। आप सब लड़कियां एक आसान चीजें ये कर सकती हैं, अलग अलग स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जड़ता और फोकस का मुद्दा है। आप अपने भोजन का 40 से 50 फीसदी हिस्सा कच्चे भोजन के रूप में लें, यानी ये जीवित हो, इसे जीवित कोशिका होनी चाहिए। ये सब्जी हो सकती है, फल, मूंगफली, अंकुरित चना हो सकता है। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में कम से कम 40 से 50 फीसदी को जीवित होना चाहिए। आप मुर्दा भोजन खाते हैं और आप जीना चाहते हैं, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। लेकिन अगर आप जीवित खाना खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी मानसिक अवस्था, आपका फोकस और आपकी नींद का कोटा, और सबसे बढ़कर बस जगे रहना ही काफी नहीं है, आपको सजग रहना होता है ना। आप कितने सजग हैं, कितने केंद्रित हैं, उसी हद तक इस दुनिया में हर चीज आपको लाभ पहुंचाती है कि नहीं। आपके फोकस का स्तर ही तय करेगा कि दुनिया आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, है ना। और जीवन का एक और पहलू, भोजन का एक और पहलू, जब आप कुछ खाएं तो उसका जेनेटिक कोड सरल होना चाहिए, मतलब उसका सॉफ्टवेयर बहुत सरल होना चाहिए। सब्जियां, फल, मूंगफली, अंकुरित चीजें, वे बहुत सरल हैं। ज्यादा जटिल का मतलब है जानवरों के मांस का कोड बहुत ज्यादा जटिल होता है। मान लीजिए आप एक जानवर खाते हैं जिसमें कुछ मात्रा में भावनाएं और खुद का जीवन होता है, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे, आपका शरीर बस याददाश्त का ढेर है, जिसका मतलब है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना। ये सबसे जटिल सॉफ्टवेयर है। इंसानी सॉफ्टवेयर धरती पर सारे जीवों में सबसे ज्यादा जटिल सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप एक जानवर खाते हैं, खासकर अगर आप एक स्तनधारी को खाते हैं, तो उसकी जटिलता वैसी ही होती है। शायद ये इंसान जितनी जटिल ना हो, लेकिन उसी तरह की जटिलता, क्योंकि उसमें उसके अपने विचार और भावनाएं हैं। अब उस कोड को तोड़ने और अपने सिस्टम के साथ जोड़ लेने में आप पूरी तरह से सफल नहीं होते, तो ये आपके भीतर कुछ खास गुणों के लक्षण छोड़ देगा। आप उस कोड को तोड़कर अपना हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि ये अलग और जटिल कोड है। अगर आप पत्तियां, सब्जी, फल, मूंगफली या अंकुरित चीजें खाते हैं, ये काफी आसान है। अगर आपको मांसाहारी भोजन खाना ही पड़े, तो आपको वो खाना चाहिए जो आपके कोड से सबसे दूर है। तो आमतौर पर मछली और पानी के जीव आपसे सबसे दूर हैं। तो अगर आपको मांसाहारी भोजन खाना ही पड़े, तो खाने के लिए सबसे अच्छी चीज है, आप समुद्र तट पर हैं, तो खाने के लिए मछली सबसे अच्छी चीज होगी।